सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हाथरस पीड़िता के परिजनों से मिलने गांव पहुंचे हैं। इस दौरान संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई है। प्रतिनिधिमंडल में राखी विडलान, आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती के गांव में सियासी दलों और मीडिया के प्रवेश पर लगी पाबंदी हटने के बाद नेताओं का जमघट लग गया है। शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी परिवार से मिलकर और हालचाल जानकर गए थे। वहीं रविवार को भी कई सियासी दलों के नेता वहां पहुंचे और सबने न्याय दिलाने की बात कही। पाबंदी हटने के बाद से ही पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटने के लिए उनके घर नेताओं की आवाजाही का क्रम जारी है। रविवार को सपा का प्रतिनिधिमंडल, रालोद नेता जयंत चौधरी और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष पूर्व सांसद जयंत चौधरी पर रविवार को पुलिस ने उस समय लाठीचार्ज कर दिया जब वो हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे थे। पीड़िता के गांव पहुंचे जयंत और उनके साथ आए 4-5 लोग मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से पुलिस के जवान आकर लाठी चलाने लगे। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने जयंत को घेरे में लेकर किसी तरह पुलिस की लाठियों से बचाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया। जयंत के साथ बात कर रही महिला मीडिया कर्मी ने भी भाग कर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि जब से हाथरस में राजनेताओं को जाने की एंट्री मिली है तब से कई पार्टियों के प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।